बच्चों आज हम पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम इससे पहले आप लोगों ने क्रैकटिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ा आज हम कॉन्टीन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे क्रैक्टिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने के अल्फा और के बीटा दो तरह की एक्सरेस पढ़ी थी के अल्फा एक्सरेस और के बीटा एक्सरेस आज हम पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूस एक्सेस स्पेक्ट्रम द दानीस एक्सेस स्पेक्ट्रम इज़ ड्यू टू एन इफेक्ट नोन एज ब्रेमस्टोलिंग और ब्रेकिंग रेडिएशन ब्रमस्टॉलिंग ये साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है या दूसरे नंबर पे हम इसको ब्रेकिंग रेडिएशन कहते हैं वन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बम्बार द टारगेट दे आर सडनली स्लो डाउन ऑन इम्पैक्ट विद द टारगेट तो उनको कैसे स्लो डाउन किया जाता है जी इस में जब जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि पहले आपने फिगर में देखा उसमें जब वो टारगेट के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करते हैं या टकराते हैं तो आ, वो उन वो स्लो डाउन हो जाते हैं कैसे स्लो डाउन हो जाते हैं उनकी स्ट्राइकिंग की वजह से वी नो दैट द एक्सलेटिंग चार्ज इमिट इलेक्ट्रो रेडिएशन यानी जो चार्ज एक्सलेटिंग का मतलब है वो चार्ज जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो अगर हम एक्सरे केस में देखें कैथोड से इलेक्ट्रॉन जमीट होते हैं और एनोड एन की तरफ वो जो है वो मूव करते हैं एनोड एन चूँकि उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है इसलिए वो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है तो हम उसको कहते हैं कि वो एक एक्सलरेटिंग चार्ज है एक्सेलरेटिंग का मतलब है जिसकी वेलोसिटी इनक्रीज़ कर रही हो और इनक्रीज़ किस वजह से करती है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अमिट होता है कैथोड से तो एनोड उसको अट्रैक्ट करता है जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है ड्यू टू कूलम फ़ोर्स अट्रैक्शन की वजह से दीज इंपैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स अमिट रेडिएशन एस दे आर स्ट्रॉन्गली डिसलरेटेड बाय द टारगेट अब बात यह है कि जो भी एक्सलरेटिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो अमिट होती हैं ये प्रॉपर्टी है एक्सलरेटिंग चार्ज की और ये चैप्टर नंबर सिक्सटीन में इसकी एक्सप्लेनेशन है तो इस तरह से जो चार्ज आपका जो मूव कर रहा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसमें से रेडिएशन एमिट होती हैं और वो डीसल रेट कैसे होती हैं जब आगे टारगेट से स्ट्राइक करती हैं तो उनकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है हम कहते हैं कि वो डीसल रेट हो गई हैं सिंस द रेट ऑफ डीसलेशन इज़ सो so लार्ज इनका जो डिसन का ट्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है द इमिटेड रेडिएशन कॉरिस्पॉन्ड टू शॉर्ट वेव लेंथ एंड द ब्रेम स्टोलिंग इज़ द एक्स रेजन अब इस वजह से होता क्या है कि वो चूँकि बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी डिक्रीज़ करती है ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से बहुत शॉर्ट वेव यानी हाई फ्रीक्वेंसी की फिर रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं और वो रेडिएशन जो है उन वो एक्स रे रीजन में लाई करती हैं और उनको ब्रेमस्टोलिंग एक्सरेज कहा जाता है क्योंकि अब इसमें जो आपने के अल्फा के बीटा पढ़े थी उसमें के अल्फा की एक ही फ्रीक्वेंसी होगी और के बीटा की भी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होगी उससे अबव बिलो नहीं होगी लेकिन ये वाली जो एक्स रेज हैं ये इसमें एक ख़ास फ्रीक्वेंसी नहीं होगी बल्कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंट वेव्स जो हैं वो होंगी तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूस या कंटिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं इन द केस वन द इलेक्ट्रॉन लॉस ऑल देयर कैनिटिक एनर्जी इन द फर्स्ट कोलिजन अगर ऐसा हो कि पहली दफ़ा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराया टारगेट के साथ और उसकी सारी कैनेटिक एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई यानी उसने अपनी सारी टारगेट एनर्जी जो है अपनी सारी एनर्जी उसने अपने टारगेट को दे दी जिसके साथ वो टकराया उसको दे दी उसकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई देन द एनर्जी अपीयर्स एज़ एक्स रे फोटोन ऑफ एनर्जी एच एफ मैक्ममम सारी उसने अपनी एनर्जी दे दी तो उस वक्त जो फ़ोटोन अमिट होगा उसकी एनर्जी होगी maximum. Maximum वो वो के ई इज़ इक्वल टू एच एफ मैक्सीम एफ मैक्ममम वो मैक्सीम फ्रीक्वेंसी जिसके साथ कोई भी फोटोन जो है वो अमिट हुआ और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है तो यहाँ से उसकी कैनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको पता है कि अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो उसकी लेमडा यानी वेव जो है वो मिनिमम होगी वो क्यों होगी क्योंकि आपको पता है ना एफ़ इज इक्वल टू एफ लेमडा इज इक्वल टू सी या वी वी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमेशा ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं तो अगर एफ़ की वैल्यू मैक्सिमम है ऑटोमेटिकली लैमडा की वैल्यू मिनिमम हो होगी तभी उन दोनों का प्रोडक्ट है वो सी के इक्वल रहेगा देन हम आगे चलते हैं तो अगर यहाँ पे हम वेवलेंथ देखें लेमडा मिनिमम और इसको इस फिगर में भी दिखाया हुआ है ट्वेंटी पॉइंट एट में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास लेमडा मिनिमम जो है वो लॉन्ग एक्सेस और इंटेंसिटी जो है वो अलॉन्ग वाई से शो की हुई है और आपको यहाँ पे इसकी दो पीक्स नजर आ रही हैं यहाँ पे पीक्स नजर आ रही हैं वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है यानी इसका मतलब जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है इसका मतलब है वहाँ पे उस वेवलेंथ की ज़्यादा रेडिएशन जो है वो अमिट हुई होंगी इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है वेव्स ज़्यादा अमिट हुई होंगी ठीक है दिस फिगर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीकवेंसी एफ मैक्सीम एफ मैक्मम होगा अगर लेमडा मिनिमम होगा अदर इलेक्ट्रॉन्स डू नाट लॉस ऑल देयर एनर्जी जिन इलेक्ट्रॉन्स की सारी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती वो क्या करते हैं वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वह देते हैं और कुछ वो खुद टा टारगेट से स्कैटर होकर यानी टकरा के वो खुद साइड पर चले जाते हैं तो देन दे मे सफ़र अ नंबर ऑफ क्लीजन्स फिर ये भी है कि वो एक कोलीजन हुई फिर उसके बाद अगली क्लीजन हुई बहुत सारी क्लीजन्स होंगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट दिस विल गिव राइज टू द फोटोन्स ऑफ स्मालर एनर्जीज और एक्स रेस ऑफ लॉन्गर वेव लेंथ इसी तरह पहली जो थी वो मिनिमम वेव लेंथ की फिर आहिस्ता आिस्ता जो स्ट्राइकिंग के बाद नए फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे उन उनकी वेवलेंथ जो होगी वो पहले से इंक्रीज होती जाएगी यानी एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी ना तो इस तरह से कंटीन्यूज आपको एक पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटीन्यू स्पेक्ट्रम जो होगा वो एक कंटीन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम होगा दस द कंटिन्यू स्पेक्ट्रम इज़ ऑबेंड ड्यू टू द डिसलेशन ऑफ इम्पेक्टिंग इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होते हैं उनके डिसलेशन की उनकी स्पीड स्लो होने की वजह से जो है वो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है